अमेरिका में चीन के खिलाफ लगातार गुस्सा है और इसका असर टिकटॉक पर भी पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 45 दिनों के लिए अमेरिका में टिकटॉक बैन कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में हिंसक झड़प को अंजाम देने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत के बाद अब अमेरिका में भी चीनी ऐप्स बैन होने शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 45 दिन का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही आदेश ये भी दिया गया है कि टिकटॉक को चलाने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस इसे 45 दिन में बेच दे, नहीं तो 45 दिनों का प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर पहले बेच देगी तो बैन हट सकता है। ट्रंप द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है, टिकटॉक ऑटोमेटिकली यूजर्स की जानकारी जमा करता है। इसमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्क की जानकारियां भी हासिल होती हैं, जैसे लोकेशन, डेटा, ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री। इस डेटा को जमा कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकी लोगों को धमका सकती है, उसका दुरुपयोग कर सकती है। साथ ही चीन को फायदा हो सकता है, वह हमारे फेडरल कर्मचारियों और ठेकेदारों की लोकेशन जान सकता है। चीनी सोशल मीडिया ऐप के जरिए जमा किए गए पर्सनल डेटा से अमेरिका के किसी भी नागरिक बड़े अधिकारी को ब्लैकमेल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए चीन अमेरिका में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी या नुकसान कर सकता है। ये भी दावा किया गया है कि टिकटॉक हर उस कंटेंट के खिलाफ है जिसका विरोध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है। ये भी हो सकता है कि टिकटॉक किसी जानकारी का गलत फायदा उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ पहुंचाए। आदेश में साफ तौर पर ये भी लिखा है, ये सारे एक्शन निर्देश जारी होने के अगले 45 दिनों तक प्रतिबंधित रहेंगे। इसके संचालन की अनुमति अमेरिकी कानून के आधार पर ही मिलेगी। आदेश में लिखा है, अगर बाइटडांस के प्रबंधन को अपनी कंपनी या उससे जुड़ी अन्य जानकारियों को बेचने का मन है या इस तरह की कोई गतिविधि वे करना चाहते हैं, तो वो लोग इस आदेश के सेक्शन 1C के तहत अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स से मिले। आपको बता दें, भारत टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लगाया। भारत ने 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के इस कदम का ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।